Yesterday we started the chapter with examples. You wrote कि base क्या होता है, power क्या होती है, exponent क्या होता है. You wrote everything. नाम आपको पता है. This statement is saying when a number is multiplied by itself a finite number of times, the number being multiplied, जो number बार बार multiply हो रहा है, that is called base. फॉर एग्जाम्पल 3 raised to power 5, 3 इज द बेस. हु सेड ट्रू, रेज योर हैंड. आई नो एवरीबडी नोज इट. हाथ खड़ा करके मेरे को एक बार बताओ. वेरी गुड. जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया इसका मतलब उन्होंने पढ़ी नहीं है अभी स्टेटमेंट. दे हैव नॉट कॉन्सेंट्रेटेड येट. जी सेक्शन, हैव यू रेड द स्टेटमेंट कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, तो वो हमारा बेस क्या होगा इसमें? व्हाट विल बी द बेस नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है? डू यू नो इट जी सेक्शन? रेज योर थ्री हैंड. वेरी गुड. दिस इज ट्रू. फर्स्ट इज स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन इज ट्रू, राइट? रीजन we are talking about the number of times the base is multiplied, जितनी बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, is called its exponent. Yes, you know, exponent is the power. जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगी ट्रू वही उसकी एक्सपोनेंट होगी. वेरी गुड. यस, रेज योर हैंड. वो से ट्रू. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. टू थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है. तो इसकी बी ऑप्शन आएगी क्योंकि assertion में हम बेस की बात कर रहे हैं एंड इन रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट पावर. प्लीज रिमेम्बर. काफी बच्चे इसको ए भी लिख देते हैं बट दिस इज नॉट ए. बेस एंड एक्सपोनेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. उनका डिफरेंट रोल है. एक्सपोनेंट ने कुछ और करना है, बेस ने कुछ और करना है. ऑल्दो वो इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं बट दे रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट काम है दोनों का, राइट? व्हाई आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग हियर बिकॉज ए और बी में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है. जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तो ए और बी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि क्या लिखें. प्लीज रिमेंबर व्हेन दे आर नॉट रिलेटेड, जब आपको लग रहा है कि डिफरेंट बात हो रही है एट ए टाइम, हम उसमें बेस की बात कर रहे हैं, उसमें एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा बी ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बेटा. सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल. देर आर सो मेनी जीरोस विद 6, काउंट इट एंड सी द पावर ऑफ 10, वेदर इट इज 9 और समथिंग एल्स. काउंट द जीरोस वेरी केयरफुली बाय पुटिंग द डॉट्स. छोटी छोटी मार्किंग करो उसके ऊपर, छोटी छोटी डॉट्स लगा के काउंट करो. फिंगर से नहीं काउंट करना, फिंगर विल नॉट टच 1 0 एट ए टाइम. फॉल्स ट्वेल्व हाउ मेनी जीरोस आर देयर? ट्वेल्व एवरीबडी इज काउंटेड. हु सेड फॉल्स? रेज योर हैंड. वेरी गुड. दीज आर फॉल्स बिकॉज दीज आर जी यू नो 6 into 10 raised to power 12 है एक्चुअली. वो देर आर 12 जीरोज, ओके, बट इन स्टेटमेंट इट इज रिटन 9, सो इट इज फॉल्स. सो दिस इज फॉल्स. राइट डाउन देन रीजन. एक्सपोनेंशियल नोटेशन, नोटेशन मतलब एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. नोटेशन को आप ये नहीं सोचो कि नोटेशन पता नहीं एक नया वर्ड आ गया आपके पास. नोटेशन क्या होता है? इसको फॉर्म की उसमें करो. हमने कल किया था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर रिप्रेजेंटेशन. उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है एक्सपोनेंशियल की? कुछ भी हो सकता है ये. ठीक है, इनके नाम लिख लो आप अपनी नॉलेज के लिए. नोटेशन मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है. एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर हेल्प अस टू एक्सप्रेस एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स इन अ वेरी कन्वीनियंट वे. कि चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं?
वाई वी आर स्टडिंग दिस ऑल, कि वहां पावर को ऐसे लिखो, बेस को यहाँ लिखो, पावर को प्लस करो, माइनस करो, प्रोडक्ट करो, वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर. इसका एम क्या है कि आपके बहुत सारे जो बिगर नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे करते हो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, स्पीड ऑफ एयर, साइंस में पढ़ते हो ना कितने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, कितनी हाई वैल्यूज होती हैं, तो वो जो हाई वैल्यूज हैं उनको हम स्मॉल फॉर्म में लिख पाए, रिप्रेजेंट कर पाए. ओके, तो उसके लिए ये स्मॉल और बिग नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं. दिस इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, राइट? तो आपकी कौन सी ऑप्शन आएगी बेटा सेकंड में? डी. यू नो इट, जब हमारी फर्स्ट फॉल्स होती है दूसरी ट्रू होती है, तो हम उसको डी ऑप्शन लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन असर्शन. सेवन थे नीरज, हाँ जी बच्चे आ गया हो. असर्शन इज ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू ट्रू, वेरी गुड. आपने लॉ पढ़ा था, रीजन भी बता दो. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज मैम फॉर श्योर? यस यस, ये भी आपने लॉ पढ़ा था, ये दोनों लॉ है ओके जो हमने यहाँ पे लिखे हैं. वेरी गुड, सिट डाउन. तो विच ऑप्शन इट विल बी? दोनों ट्रू है और दोनों रिलेटेड भी है, ठीक है? आपने पढ़ा है उसमें आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, इसमें आप उसकी बात कर रहे हो, पावर की बात कर रहे हो, विद डिफरेंट बेस. रीजन में डिफरेंट बेस है, असर्शन में सेम बेस है. कैन यू सी? ऑप्शन विल बी बी. प्लीज टेक केयर बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. आई हैव सीन वेरी वेरी ब्राइट चिल्ड्रन जो कि ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं. अब कल ही किसी स्टूडेंट का एग्जाम था, ही वॉज इन 9th क्लास. ही न्यू एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर, सब कुछ आता था. ही लॉस्ट इज 1 मार्क बिकॉज उसने बी के बदले में वहां पे ए लिख दिया, असर्शन रीजन. ठीक है, आपको बाद में पछतावा होता है ना कि ओ दिस वाज सो सिंपल और मेरा रॉन्ग हो गया, 1 नंबर कट गया मेरा, अदरवाइज फुल मार्क्स 20 out of 20 आ जाते. यू नो, इसको केयरफुली सोचना है. ट्रू तो लिख दिया आपने, यू नो असर्शन भी ट्रू है, वो भी ट्रू है. अब हमने ये सोचना है कि देखो असर्शन में हमारे पास सेम बेस की बात हो रही है, रीजन में डिफरेंट बेस की बात हो रही है, इट मीन्स दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो हमारी ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इट विल बी बी. प्लीज रिमेम्बर, ठीक है? एक एक नंबर बहुत आपका जो है वो इट मैटर्स व्हेन यू गिव द एग्जाम. ओके बेटा, सो दिस इज बी ऑप्शन. टेक केयर, स्पेशली जब दोनों ट्रू आते हैं बहुत ध्यान से उसको दोबारा रिपीट किया करो टू टेक द डिसीजन. फोर्थ क्वेश्चन असर्शन, पावर इज डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन दैट इंक्लूड्स बेस एंड एक्सपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल 6 raised to power, इन 6 raised to power 4, 6 इज द बेस एंड 4 इज द एक्सपोनेंट. आई एम रीडिंग वंस मोर, ध्यान से पढ़ो, आप भी पढ़ो मॉड्यूल में, अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. पावर इज डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन. क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने बोल दिया कि ये 5 पावर है, अकेली पावर काम कर सकती है क्या कोई? मेरे को बेस तो लिखना ही पड़ेगा ना जब भी मैं पावर लिखूंगी, इज इट और नॉट? अकेली पावर शेल, कैन आई राइट कि दिस इज अ पावर 5? आप पूछोगे ये किसकी पावर है? पावर किसी ना किसी बेस की होगी ना, बेस तो चाहिए हमें, इसलिए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर इज रिप्रेजेंटिंग डिफाइंड एज द होल एक्सप्रेशन. होल एक्सप्रेशन मतलब बेस एज वेल एज पावर, दोनों चीजें वो एक्सप्रेस करेगी. दिस इज ट्रू और फॉल्स? बी सेक्शन, लक्षिता थिंक एंड टेल मी,
फास्ट, वेरी गुड. एक दूसरे को स्पेस दो निकलने के लिए. व्हाट डू यू थिंक, दिस इज ट्रू और फॉल्स? ऑन करना पड़ेगा इसको, माइक को ना ऑफ आ रहा है आपका बेटा. मैम ट्रू ट्रू. अकेली पावर कुछ भी नहीं कर सकती, पावर के साथ बेस तो पक्का ही आएगा. यस, सिट डाउन बेटा. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज 5 रेज़ टू 4 बाय 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट? प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी. लॉ लगाओ इसमें, डिवीजन हो रही है. सेम बेस अप एंड डाउन, व्हाट वुड यू डू? डी सेक्शन, हरमीत सिंह, सेम बेस, पावर इज डिफरेंट, एब्सेंट एब्सेंट. ओके, प्रियंका 7G. डी सेक्शन से कौन आया था आगे? आई सॉ वन चाइल्ड. आ जाओ बेटे आगे, टेल योर नेम. हरमीत सिंह ओके, हु सेड देन एब्सेंट? किसने बोला फिर? बी सेक्शन या जी सेक्शन से दैट गर्ल हैज आल्सो कम फॉरवर्ड. आप रुको बेटा इधर ही, प्रियंका से हेयर. मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगी. हाँ जी बेटे, आप बताओ पहले. हरमीत, व्हाट इज दिस? क्या होना चाहिए रीजन का आंसर, क्या होना चाहिए? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स फॉल्स. व्हाई? क्यों है फॉल्स? आपको फ्रेंड ने बताया है? प्रियंका कैन यू टेल मी व्हाई इट इज फॉल्स? डिवाइड में जो एक्सपोनेंट होती है पावर वो माइनस हो जाती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड. डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, प्लस नहीं होगी. वेरी गुड प्रियंका. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम 5 पावर 2। एक्सेलेंट. आप बैठो. हरमीत आप बताओ बेटा, क्या सुना आपने अभी? प्रियंका ने क्या बोला? हैव यू अंडरस्टूड? उसने क्या बताया? आपने बताया फॉल्स है ये. ठीक है, फॉल्स तो है, बट क्यों फॉल्स है? क्या गलती दिख रही है आपको उसमें? जब बेस सेम होता है तो क्या कल आपने रूल्स लिखे थे, क्लास अटेंड की थी कल? यस यस, सीट पे बैठो. पिछले रूल देखो जरा. कल मैंने रूल क्या लिखवाया था कि जब बेस सेम होता है, 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो उनकी पावर्स क्या करती हैं आपस में, क्या रिलेशन होता है? जरा पढ़ो इसको जाके. रेज योर हैंड हु से कि दिस इज सब्ट्रैक्टेड, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड हियर. रेज योर हैंड हु नो इट. यस यस, जिन्होंने पिछला काम अभी नहीं देखा, कल वाला रूल नहीं पढ़े, उनको नहीं पता. ना तो उन्होंने क्लास में ध्यान से किया होगा जब मैम ने करवाया होगा, ना उन्होंने कल ध्यान से समझ के लिखा. लिखा तो होगा आपने कॉपी में, बट समझा नहीं इसको. अरमीत, आई विल कॉल यू अगेन बेटा. इसको रूल को देखो और समझो कि दिस इज फॉल्स एंड व्हाई. सो दिस इज सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन. a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 0. एफ सेक्शन, ईशान. स्लो ब्लूमर्स की क्लास में ओके, आप बताओ. हु टोल्ड मी नाउ? है दिस इज वॉल्स। फॉल्स. किसी का मेरे को ट्रू भी सुना था. एनीबडी सेड ट्रू? जिन्होंने ट्रू बोला था वो कल वाली अपनी लॉज देखो, उसमें चेक करो कि मैंने लिखवाया था a रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1 फॉर एनी ए. आई थिंक अभी बी सेक्शन से बच्चा आगे आया था कि जी से आया था? जी से आई थिंक. किसने मेरे को आंसर बताया बीच ये? में इशारा आया था। आपने मेरे को पॉज बताया था बेटे. यस, यस दिस इज पॉज. एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज 1. छोटी सी बात है, बार बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि
कि किसी की भी पावर, कि कोई भी नंबर हो, इसीलिए मैंने एनी ए कल लिखवाया था, इसकी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा आपका 1 आएगा. ओके, आई एम डूइंग फिफ्थ क्वेश्चन हियर. छोटा सा क्वेश्चन है ये. असर्शन आपकी ट्रू, सॉरी असर्शन फॉल्स आ रहा है, एंड रीजन क्या होगा बेटा? रीजन भी आपका रूल है, रूल है ना यहाँ पे, पावर ऑफ अ पावर, यू रिमेम्बर कल किया था हमने, इट इज मल्टीप्लाइड सो इट इज ट्रू, तो आपकी डी ऑप्शन आएगी इसमें. प्लीज डू असर्शन एंड रीजन केयरफुली, क्योंकि आपका पूरे के पूरे चैप्टर का कंसेप्ट इसके अंदर आता है जब भी आप असर्शन रीजन करते हो. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर आपकी जो होती है वो सारी असर्शन रीजन में आ जाती है. बाकी अभी रहेगी आपकी कैलकुलेशन, जिसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर ऑल योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट इज पेशेंटली करना है, दो दो नंबर के क्वेश्चन है ये, यू हैव टू गेट फुल 2 मार्क्स. वेरी सिंपल, एक्सप्रेस दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कल क्वेश्चन लिखवाया भी था मैंने आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने नंबर को किस फॉर्म में आंसर देना है. ठीक है, सॉल्व तो आपको क्वेश्चन करना आता है कि हाँ इसकी पावर खोल दी, मल्टीप्लाई कर दिया, बट आपको आंसर किस वे में एक्सप्रेस करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे जाके आपको रुकना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ई सेक्शन पवनप्रीत. हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी फर्स्ट क्वेश्चन? थिंक एंड टेल मी, ये ओरल क्वेश्चन है वैसे तो. Yes. हाँ जी बेटे, बताओगे मेरे को हाउ टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? And we will raise the power 2 power 2 and 3 power 1 and 5 power 2. थ्री पावर वन एंड फाइव पावर टू, वेरी वेरी सिंपल, एवरीबडी नोज इज इट. गुड बेटा, सिट डाउन. टू स्क्वायर आना है, टू पावर टू. टू स्क्वायर आना है, यस, टू स्क्वायर आएगा. सेकेंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई, ये भी क्वेश्चन हमने कल किया था इस टाइप का. सिंप्लीफाई 7 raised to power 2 into 2 raised to power 3. डोंट टेल मी आंसर, एवरीबडी डू. कल हमने बताया था कि सिंप्लीफाई में आप क्या करते हो, हाउ टू एक्सप्रेस द आंसर. एफ सेक्शन, बी रेडी, आई एम गोइंग टू कॉल, करो फटाफट, छोटी सी कैलकुलेशन है, स्पेंड 2 मिनट्स. सिंप्लीफाई, एफ सेक्शन गुरजोत. एफ सेक्शन के बच्चे कंबाइंड है ना किसी के साथ? हाँ गुरजोत, हैव यू फाउंड बेटा? मैम अभी कर रहे हैं. ओके ओके, करो करो, आप आगे ही बैठे हो है ना, जल्दी से कर लो और मेरे को आंसर बताओ. एवरीबडी डू, आई कैन कॉल एनीवन एल्स आल्सो. दो नंबर का क्वेश्चन है, सामने सामने ही करो, बिल्कुल, आप जरूरी नहीं कि रफ कॉलम में ये करना है वो करना है,
सामने सॉल्व करो, डजंट मैटर, टीचर शुड नो कि आपने कैसे सोचा क्वेश्चन को। ए सेक्शन, हरसीरत, हैव यू डन? मैम एब्सेंट है। मैम जशनप्रीत, ए सेक्शन, यस कई बच्चे पेन रोक के बैठे हुए कि आई हैव डन इट, आर यू यस वेटिंग फॉर द आंसर? कई मैम बच्चे आपने कर लिया? हाँ यस जी, बताओ बेटा। मैम 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यस, व्हाट इज द आंसर? 392 49 इंटू 8, 392। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। इनका निकल गया 392, रेज योर हैंड। बहुत टाइम ले लिया आपने, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर? दोनों की पावर है, यू नो, 5 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 5। हमें तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि पावर से नंबर बहुत बड़ा बन जाता है, छोटी पावर होगी तो छोटा नंबर बनता है ना? तो डिपेंड, कैलकुलेट करके ही आपको पता चलेगा। ई सेक्शन से लास्ट बॉय इज रेजिंग हिज हैंड। ओके, बाकी बच्चे करते रहो। माइक ऑन करना पड़ेगा बेटे आपको। कंटिन्यू डूइंग अदर चिल्ड्रन। मैम 3 रेज टू पावर 5 इज ग्रेटर 3 रेज टू पावर 5 इज ग्रेटर, वाई? मैम कैसे पता चला आपको, क्या किया आपने? 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया दोनों को, है ना? यस इधर भी मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, देन यू फाउंड, दैट्स गुड। सिट डाउन। कई बच्चों का पेन रुक गया हुआ है। डोंट थिंक कि ही हैज टोल्ड द आंसर एंड इट इज ओवर। सेवन डी, हरमीत सिंह, कम फॉरवर्ड। हरमीत, हाँ जी, आपने कैलकुलेट किया दोनों को बेटा? हाँ यस जी, बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। 5 रेज टू पावर 3 का 125 ओके, और दूसरे का? 369 नहीं, चेक करो इसको। 3 रेज टू पावर 5, 3 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी गलती हो जाती है उसमें भी, इसलिए क्वेश्चन को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो उसको 2 बार देख लो, 2 बार मतलब कि एक बार तो किया, एक बार और उसको चेक कर लो। 1287 नो 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 नो, बैठ के आराम से करो, गो एंड सेट। 3 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। डी सेक्शन से किरणजीत, यस, जल्दी से बता दो, व्हाट इज 3 रेज टू पावर 5? हैव यू मल्टीप्लाइड? 243 243। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये कैलकुलेशन गलत हुई तो वो रॉन्ग भी हो सकता है, आपको कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है वो बताना ही आपके लिए रॉन्ग हो सकता है। ठीक है,
सो यू कैन से 3 to 5 इज ग्रेटर। किस किसने निकाल लिया था, रेज योर हैंड। ओके गुड, कैलकुलेशन चेक करके उसको कंफर्म करना है आपने। ओके फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन नंबर फोर। कल हमने बताया था आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो नंबर है, नंबर हो या फिर कोई वेरिएबल हो, एक्सपेंड करने का मेथड तो सेम ही है, पावर 3। पावर 3 है। 3 है क्वेश्चन में, यस इट इज 3। पी क्यू आर पावर 3 क्वेश्चन नंबर फोर। पी क्यू आर, प्लीज रिमेम्बर ये एक सिंगल नंबर है, सिंगल दिखने में वो तीन अलग अलग दिख रहे हैं। ओके तो हम क्या करेंगे इसको, पी क्यू आर इंटू पी क्यू आर इंटू पी क्यू आर, और पी इज मल्टीप्लाइंग 3 times, 1, 2, 3, और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द लॉ। ठीक है, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ये वाला, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि एक चीज जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। आई रोट दिस स्टेप ताकि आपको ये पता चले कि पी क्यू आर एक सिंगल सिंगल की फॉर्म में यूज हो रहा है, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, आपका डायरेक्टली लॉ यहाँ पे लग रहा है कि जब हमारे पास पावर बाहर होती है तो हम उनके, अब उसका मतलब क्या होता है कि सबके साथ वो पावर जो है वो लग रही है। आपने पढ़ा था उसमें ए बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम, लॉ किया था ये वाला आपने। When base is different, power is same, तो हम नीचे वाले numbers को multiply कर देते हैं, we don't write it as AB. This was the law, कल हमने लिखा था, वही law यहाँ पे use हो रहा है। So it is given power form में आपके पास आ चुका है, you have to write the answer in expanded form. ठीक है, बी सेक्शन, रमनदीप सिंह, व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर, आगे आओ रमनदीप, यू हैव टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। रमनदीप इज प्रेजेंट, बी सेक्शन रमनदीप आर यू देयर, जशनदीप कौर बी सेक्शन, ये बी सेक्शन के बच्चे उठ क्यों नहीं रहे हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, दोनों जशनदीप एंड रमनदीप, बी सेक्शन मेरी आवाज आ रही है बेटा, दोनों एब्सेंट है यस। एब्सेंट हैं। ओके ओके जी सेक्शन जतेंद्र जी, जतेंद्र बेटा आंसर बताओ इसका, वी हैव नॉट रीच द फाइनल आंसर ना अभी तक, फाइनल आंसर इसका क्या होगा, पी मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय पी। हाँ वेरी गुड,
उसके बाद क्यू मल्टीप्लाई बाय दिस 3 टाइम्स, उसके बाद आर मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स। जिस नंबर की जितनी पावर है उसको उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पी इंटू पी इंटू पी, 3 टाइम्स आपने पी लिखा है, प्लीज इसको काउंट कर लेना। क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, आर इंटू आर इंटू आर, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, प्लीज रिमेम्बर, आप काउंट कर लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, आपकी काउंटिंग होनी चाहिए सो दैट कोई मिस ना हो जाए कुछ। जितनी पावर है उतनी बार वो एक्सपेंड होना चाहिए। हो सकता है उसकी पावर 5 हो, तो आपको लिख के उसको एक बार चेक कर लो, डॉट्स लगा के नीचे पेन से, टक 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 टक, यस दीज आर रिटन दोज मनी टाइम्स। ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, फुल मार्क्स आपके आ सकते हैं इसमें, चाहे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है चाहे 8 मार्क्स का है, यू कैन गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -8/27। -8/27 आई वुड से नेगेटिव को अभी बात नहीं करना, पहले नॉर्मल 8/27 आपको क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस नॉर्मल। जब भी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हो, कल आपने एक क्वेश्चन किया भी था इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, यू रिमेम्बर, बट 8 तो बहुत ही छोटा नंबर है, आपको पता है कि किसका प्रोडक्ट होता है 8, और 27 किसका प्रोडक्ट होता है, यू नो इट, बहुत छोटा नंबर है, आपको इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओरल कर सकते हो इसको, 7C सेक्शन गुलीन, सी सेक्शन गुलीन, माइक ऑन करो एंड टेल मी। एट को किसकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हो, बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत बार यूज किया आपने। सबसे पहले बेटी आपको ये चेक करना है कि 8 जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है, कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले तो ये चेक कर लो। 2 एंड 4, वेरी गुड, 2 एंड 4, क्या आपको रफ में पता है कि 8 का मतलब होता है 2 इंटू 4। इसको और ब्रेक करो, कौन सा नंबर है दोनों में से जो ब्रेक हो सकता है, 2 तो ब्रेक नहीं हो सकता, पहले से ही वो प्राइम फैक्टर है, 4 जो है वो ब्रेक हो सकता है, यस बताओ क्या लिखोगे इसमें। 2 इंटू 2, यस वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली बोलो, इंटू टू हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, होगी व्हाट वुड यू राइट हियर, 2 रेज टू पावर 3। सिट डाउन बेटा, नाउ इट इज 27, यू हैव टू राइट 27 इन पावर फॉर्म। पावर फॉर्म के लिए आपको एक प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है, प्राइम नंबर के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 27, यू नो एवरीबडी नोज 9 3 27, टेबल सबको आता है, इसको फर्दर ब्रेक करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, अभी हमने नेगेटिव साइन को देखा नहीं है, सिर्फ हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव को हम बाद में देखेंगे कि हमने क्या करना है। कीप इन माइंड जो आप एक रूल फॉलो करते हो वो सारे क्वेश्चंस के लिए फॉलो होता है। कल हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया था, आपने खुद बताया था कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो आपने वो पूरा वो एलसीएम वाला मेथड लाइन लगा के पूरा वो किया मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बहुत सारे नंबर आ रहे थे, है ना। आज भी हमने यही किया,
एट क्यों हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा, टू इंटू टू इंटू टू। सिमिलरली हमने 27 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। वी कैन नॉट राइट 9, वी कैन नॉट राइट 4, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए। फर्दर 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 ब्रेक करते जाओ नंबर को, जब तक हमारे पास प्राइम नंबर नहीं आते। प्राइम नंबर का क्या मतलब है? ऐसा नंबर जो आगे ब्रेक ना हो। लास्ट नंबर टू, वी कैन नॉट ब्रेक टू। थ्री, वी कैन नॉट ब्रेक थ्री। यू हैव रीच्ड, आप पहुंच गए अपने एम तक, आपको अपना प्राइम नंबर मिल गया, बेस मिल गया आपको। ओके, हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे सोचेंगे। छोटा नंबर है तो ओरल कर लो, बड़ा नंबर है तो लिख के कर लो उसको। नाउ इट इज नेगेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये पावर की फॉर्म में आपके पास आ गया है। एंड वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 2 बाय 3 रेज टू पावर 3। नेगेटिव को मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, वाई? बिकॉज पावर हमारी ऑड है, तो नेगेटिव हमारा रिटेन रहेगा, वहां पे रहेगा नेगेटिव, कहीं जा नहीं सकता क्योंकि हमारी ऑड पावर है। अगर आपको एक और स्टेप लिखना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू कैन राइट इट एज -1 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 3। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबके पावर, जितने भी नंबर आपको अपनी क्वेश्चन के अंदर दिख रहे हैं, सबकी पावर हमने सेम कर दी, उसके बाद हमने सबको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। कैन यू सी हियर? क्योंकि माइनस जो है वो -1 है, एक वो नंबर है, इंटीजर है, उसको भी हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कैसे ट्रीट करें। इज इट क्लियर हाउ दिस स्टेप हैज गॉन? ये 2 स्टेप पक्का इसमें लिखो, आपको ये कभी भी मुश्किल नहीं आएगी कि नेगेटिव को आपने कैसे ट्रीट करना है। 8th क्लास में तो आपके सारे क्वेश्चन नेगेटिव के हैं, नो क्वेश्चन इज देयर जिसके साथ माइनस का साइन ना लगा हो, और आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ अभी नेगेटिव का क्या करें, पावर कहाँ लगाएं। दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड, क्यों हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा? वेरी गुड, क्योंकि हम सबको सारे नंबर जो हमारे क्वेश्चन में है सबकी हम एक पावर बनाना चाहते हैं, सेम पावर बनाना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हमें आंसर पावर फॉर्म में लिखना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, दैट्स व्हाई वी आर स्टॉपिंग हियर। दिस इज द लास्ट स्टेप, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेशन, सम एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू, ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स द वैल्यू व्हाट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। लेट अस राइट द क्वेश्चन। इट इज 16 रेज टू पावर 2। क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले, ताकि बार बार वर्कशीट में ना देखना पड़े आपको। इंटू -1 रेज टू पावर 81, -1 रेज टू पावर 81। कल मैंने बताया था 1 की पावर या -1 की पावर बड़ी हो या छोटी हो, आपको बस ये चेक करना है कि वो ऑड है या इवन। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 3। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपने अपना रूल लगाना है। ठीक है, करना शुरू करो। द एक्सप्रेशन दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स व्हाट? ऑन सिंप्लीफिकेशन मीन्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। स्टार्ट डूइंग वट एवर नॉलेज यू हैव गेन, जो जो आपको पता है इसके बारे में, जो जो आप कर सकते हो, स्टार्ट करो उसको करना। सिंप्लीफाई करना है, आपको पता है हमें पावर जहां भी आएगी उसको खोलना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड।
दिस इज ऑफ 3 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है. इफ यू वॉन्ट टू गेट 3 मार्क्स, डू इट केयरफुली, अपने रूल्स लगाओ, लॉज लगाओ, पीछे से कुछ देखना देख सकते हो. रफ कॉलम में कुछ लिख के देखना है, रफ कॉलम में ट्राई करो. छोटे छोटे नंबर हैं. लिपसिंग करो, मुंह से बोल बोल के करो साइलेंटली. व्हेन यू स्पीक यू आर गाइडिंग योर माइंड, आप अपने माइंड को बता रहे हो कि यस डू दिस. ओके, माइंड विल गिव यू फुल कॉन्सेंट्रेशन. वेरी गुड. जो कर लेंगे हाथ खड़ा करते जाएंगे. आई विल कम टू नो. जल्दी नहीं करनी हाथ खड़ा करने में, रिवाइज भी करो करने के बाद. इसमें दो साइन आपके यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी. गुड, कीप डूइंग. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बोर्ड. आप करो और मेरा फिर चेक करना है आपने वेदर यू हैव डन इन द सेम वे और नॉट. वेरी गुड. कई बच्चे लॉज देख रहे हैं पीछे से. यस, अपनी एफर्ट लगाओ, पीछे टर्न करके देखो लॉज में हमने क्या क्या लिखा था. गुड गुड. यू कैन चेक इट फ्रॉम द बोर्ड आफ्टर डूइंग. एट टू द 16 एवरीबडी नोज दिस इज -1 बिकॉज ऑड पावर है. डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 3. जरूरी नहीं कि सारे नंबर्स को हमने एट ए टाइम ही कर देना है, जो जो आपको समझ आती जा रही है करते जाओ. इमीडिएटली आपको ये पता चल रहा है कि 16 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. डू इट. यू कैन राइट इट एज -8 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2. स्लोली करो, बोल के करो. इंटू -1 अपॉन 8 रेज टू पावर 3. 8 को हमने बचा के रखा है अभी तक क्योंकि हमें 2 8s दिख रहे हैं यहाँ पर. बेस हमें 8 और 8 दिख रहे हैं इसलिए हमने 8 को बचा के रखा हुआ है. अदरवाइज हम 8 को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं 2 की फॉर्म में, बट कोई जरूरी नहीं है. बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो. फिलहाल इसको बेस 10 की फॉर्म में चलाओ. इट इज 8 रेज टू पावर 2 -3, नीचे वाली पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी. इंटू 2 रेज टू पावर 2 -1 जो आपके साथ साथ चल रहा है उसको आप अभी बिगनिंग में ला सकते हो, यहां पे ला सकते हो कि पूरी की पूरी आपकी जो टर्म है वो नेगेटिव बन गई. -1 का प्लस क्यों नहीं बना, ये -1 क्यों चलता जा रहा है हमारे साथ साथ, रीजन क्या है इसका. व्हाई वी आर नॉट स्किपिंग दिस नेगेटिव साइन. ई सेक्शन यस, मिडल रो यस, फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट गर्ल ओके, सेकेंड बेंच यस. व्हाई वी आर स्टिकिंग टू दिस नेगेटिव -1 -1 -1. Why?
भाई काम नहीं कर रहा आपका बेटा? पी सेक्शन मैम बिकॉज सब पावर इज ऑड. बिकॉज पावर इज ऑड 81, दिस इज ऑड पावर, इसलिए हमने -1 को रिटेन रखा। ये माइनस हम आगे ले आए क्योंकि अभी इसका काम क्या है, नेगेटिव का काम क्या है कि जो जो नंबर हमारे पास आया है वो एज इट इज हमारे पास एक नेगेटिव के फॉर्म में चलेगा। सॉल्व इट फर्दर, -8 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर 2। आंसर तक पहुंचने में जल्दी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप आपका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, केयरफुली चलो। आपको इसको क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना था तो हम एंड तक चलते जाएंगे इसके साथ साथ, ठीक है? -2 रेज टू पावर 2 अपॉन 8, 8 अभी वापस से नीचे आ गया बिकॉज उसकी पावर नेगेटिव थी, सो इट विल बी -4/8 विच इज इक्वल टू -1/2। लोएस्ट फॉर्म में हमने कर लिया, वी हैव रीच्ड टिल एंड। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन बेटा, वी विल स्टॉप। एंड किसी को कोई डाउट है इसमें रिवाइज करना बेटे इसको घर पे, किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी टुमारो, ओके? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गो स्लोली, थिंक इट, अप्लाई द रूल एंड रीच टिल एंड। ओके बेटा, सी यू टुमारो बेटा।